दिनांक 7 दिसंबर वर्ष 2020, दसवीं कक्षा, साइंस वन का ये 8वां चैप्टर धातु विज्ञान। अभी इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स कैंसिल हो गए हैं, जैसे कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म नहीं करना है हमें इस वर्ष, यानी कि 2020 और 21 में ये चैप्टर शुरू हो रहा है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म से। इसके बाद धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखेंगे, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, आयनिक यौगिक क्या होता है वो देखेंगे, धातु विज्ञान की विविध संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो पहला जो पेज है इस चैप्टर में, पेज नंबर 93, ये पूरी तरह से रिड्यूस्ड कर दिया गया है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। सीधा यहाँ से शुरू होता है चैप्टर, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब धातु में एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है। धातु की परिभाषा ही वही होती है कि ऐसे तत्व जो धन आवेश का को त्याग करके, सॉरी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन का निर्माण करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातुएं क्रियाशील होती हैं, वे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे करके धन आवेशित आयन का निर्माण करते हैं, और इसीलिए धातुओं को धन विद्युत तत्व भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न कोई पूछ सकता है कि धातुओं को धन विद्युत तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग करके धन आवेशित आयन का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक कृति दी है, करके देखिए इसमें सामग्री क्या क्या है, चिमटा, छुरी, बर्नर इत्यादि हैं। रासायनिक पदार्थ में यहाँ पर कुछ धातुएं ली गई हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम, जस्ता और सोडियम। अब इसमें सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है, इसलिए जब कभी सोडियम का प्रयोग करेंगे तो बहुत ध्यान से इसका उपयोग करना है शिक्षकों की उपस्थिति में ही, क्योंकि ये अपने आप ये आग पकड़ लेता है हवा में खुला यदि रखा जाए। इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबा करके रखते हैं, क्योंकि ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो सोडियम में आग लग जाती है। इसलिए यहाँ पर दिया ये विशेष सूचना यहाँ दी गई है कि सोडियम का उपयोग शिक्षकों की उपस्थिति में ही करना चाहिए। अब करना क्या है, ये जो नमूने यहाँ पर जो धातुओं के नमूने दिए गए हैं, इन्हें चिमटे से पकड़ करके बर्नर की, ये जो बर्नर की जो ज्योति है, बर्नर की जो ज्वाला है, उसके ऊपर रखना है। जैसे चिमटे से धातु को पकड़ करके बर्नर में जलाना है सभी धातुओं को। और ये तीन चीज़ें हमें देखना है कि कौन सी धातु आसानी से जल सकती है, जलने पर धातु का पृष्ठभाग कैसा दिखाई देता है, और धातु ज्योति पर जलते समय ज्योति का रंग कौन सा होता है। तो देखिए, सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए सबसे आसानी से कौन सी धातु जलेगी, सोडियम जल जाएगी, सोडियम सबसे आसानी से जलेगी। अब जलने पर धातु का पृष्ठभाग कैसा दिखाई देता है, ग्रेइश ब्लैक जिसे कहते हैं, स्लेटी काला रंग का दिखाई देगा, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का धातु का पृष्ठभाग दिखाई देता है। धातु का पृष्ठभाग यदि जल जाए, किचन में भी देखिए कैसे बर्तन जब जल जाता है तो उसका पृष्ठभाग कैसे दिखाई देता है, स्लेटी रंग का, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो वही जलने पर धातु का पृष्ठभाग स्लेटी रंग यानी कि ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर का दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है। धातु ज्योति पर जलते समय ज्योति का रंग कैसा होगा, यह जो फ्लेम है बर्नर का, इसका कलर हमें नोट करना है कि किस धातु को जलाते समय फ्लेम का कलर क्या हो रहा था। तो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग ज्योति का कलर भी अलग अलग मिलेगा, तो मैं एक एक आपको बता रहा हूँ। देखिए, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को यदि आप जलाते हैं, यदि आप एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को इस बर्नर के ज्योति पर रखकर जलाते हैं तो इस ज्योति का जो रंग है वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा। फिर यदि आप सोडियम को जलाते हैं तो ये इस फ्लेम का जो रंग है, इस ज्योति का रंग है, वो पीले रंग की हो जाएगी। जिंक और कॉपर को यदि जलाते हैं, जिंक यानी जस्ता और तांबा, जस्ता या तांबा को अगर आप जलाते हैं तो ये जो ज्वाला है वो नीला या हरा रंग का दिखाई देगा, नीला और हरा रंग।
यहाँ भी देखिए कुछ कुछ हरा हरा दिख रंग इसमें दिख रहे हैं। फिर यदि लोहे को जलाते हैं, लोहा यदि आप जलाते हैं तो इस ज्योति का रंग सुनहरा या भूरा रंग का दिखाई देगा, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, सुनहरा भूरा रंग का दिखाई देगा। तो ये कृति आप करेंगे तो ये इस तरह से आपको ऑब्जर्व होगा, इस तरह से आपको निष्कर्ष दिखाई देगा, निरीक्षण दिखाई देंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं धातुओं की जो रासायनिक गुणधर्म है उसके बारे में, यानी कि कौन से धातु किसके साथ क्रिया करके क्या परिणाम होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। धातुओं में की अभिक्रिया में सबसे पहले आइए देखते हैं कि धातुओं का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कैसे करती हैं। तो देखिए धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, अब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कब करती है, ज़्यादातर धातुओं को जब जलाया जाता है, जब जलती है तब वो क्रिया करती है, या तो जब धातुओं का क्षरण होता है, जंग लगना जिसे कहते हैं, तब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। तो धातुएं जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी तो धातुओं का ऑक्साइड बनेगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे कि सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया तो करता है, तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन इसके साथ ही ये सोडियम जो है जलने लगता है। सोडियम जब भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा और वो जलने लगेगा। यही कारण है कि प्रयोगशाला में इसे मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसलिए केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाता और वो सुरक्षित केरोसिन में पड़ा रहता है, उसका क्षरण नहीं होता और सोडियम ख़राब नहीं होता। तो सोडियम को सुरक्षित बनाए रखने के लिए और कोई दुर्घटना को टालने के लिए हमेशा सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। अब सोडियम का जो घनत्व है वो भी मिट्टी के तेल से अधिक होने के कारण ये आसानी से उसमें डूब भी जाता है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं, तो इसका उत्तर क्या लिखना है, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ये हवा के ऑक्सीजन से संपर्क करके जलने लगता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है और ये जलने लगता है, जिससे धातुओं का जिससे सोडियम का क्षरण होता है और दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। तो सोडियम को के क्षरण को टाल और दुर्घटना को टालने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, और सोडियम का घनत्व तो मिट्टी के तेल से अधिक होने के कारण ये आसानी से उसमें डूब जाता है और सोडियम का ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाता है, इसके कारण सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होती। तो ये था सोडियम को लेकर के। अच्छा, यही सोडियम ऑक्साइड यदि फिर पानी के साथ क्रिया करें, क्योंकि पानी में घुलनशील होता है धातु, सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील होता है और फिर इसका पानी के साथ क्रिया होकर के ये अल्कली बन जाता है, अलछार बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ यदि क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये संतुलित कैसे किया जाता है, ये 4Na कैसे आया, 2 कैसे आया, ये सब संतुलित करना मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले भी, इसलिए बैलेंस करना मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो ये तो सोडियम को लेकर के हो गया। सोडियम के बाद जो क्रियाशील धातु आती है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम देखिए अपने आप तो ये नहीं जलेगा, सोडियम की तरह जैसे सोडियम को जैसे ही हमने मिट्टी के तेल से बाहर निकाला तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया करके ये जलने लगता है और सोडियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन मैग्नीशियम सोडियम से थोड़ा कम क्रियाशील है, तो इसलिए ये अपने आप तो हवा की ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा, लेकिन यदि मैग्नीशियम के फीते को हम लोग जलाएं तब ये बहुत तीव्रता के साथ जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और बहुत तीव्रता के साथ जलता है, जैसे कि दीपावली में जो फुलझड़ी होती है, छुरछुरी जिसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसे जब हम जलाते हैं तो देखिए अब और तेज़ी से वो जलता है। ऐसे ही जो मैग्नीशियम है ये भी जब हम जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और तीव्रता के साथ जलने लगता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जब
पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि एक क्षार है। अब जो धातुओं का अगला रासायनिक गुणधर्म है वो हम सीखेंगे, धातुओं का पानी के साथ अभिक्रिया। इसके लिए कुछ कृति दी गई है, शंक्वाकार पात्र, कोनिकल फ्लास्क जिसे कहते हैं वो चिमटा। रासायनिक पदार्थ में क्या है कि विविध धातुओं के नमूने यहाँ पर बोला गया है। सोडियम धातु के लिए मना किया गया है क्योंकि वो थोड़ा खतरनाक धातु है, आग लग जाती है उसमें। और पानी, अब करना क्या है, प्रत्येक धातु का टुकड़ा लेकर ठंडे पानी से भरे हुए अलग अलग शंक्वाकार पात्रों में डालना है और देखना है कि किस धातु के की पानी के साथ क्रिया हुई और कौन सी धातु पानी पर तैरने लगी और क्यों। अब इस कृति की एक सारणी बनाना है और प्रेक्षण लिखना है। तो देखिए, जो अत्यधिक क्रियाशील होगा, अत्यधिक क्रियाशील और जो मध्यम क्रियाशील धातु हैं वो जो है पानी के साथ क्रिया करेंगी, लेकिन जो बहुत कम क्रियाशील हैं वो पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, वो पानी के भाप के साथ क्रिया करती हैं। तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता, ये सारी जो है अत्यधिक और मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं तो वे पानी से क्रिया करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं वो पानी के साथ क्रिया नहीं करती, वो पानी के भाप के साथ क्रिया करती हैं। और सॉरी, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम ये अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये मध्यम क्रियाशील धातु हैं, और ये एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता ये सब अत्यधिक कम क्रियाशील धातु हैं। तो अत्यधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील, ऐसे तीन भाग हैं धातुओं के। तो सोडियम और पोटेशियम जो कि अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, ये जब पानी के साथ क्रिया करती हैं तो उन धातुओं का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, और साथ ही इतना अधिक ऊष्मा का निर्माण होता है कि उस ऊष्मा के कारण ये हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। इसीलिए ऊपर सावधानी दिया गया है कि इसको इसका यूज़ नहीं करना है, और ये इस वर्ष भी रिड्यूस कर दिया गया है, फिर भी मैंने जानकारी के लिए आपको समझा दिया। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो नॉर्मल पानी के साथ क्रिया नहीं करेंगी, अभी ये तो अत्यधिक क्रियाशील थी सोडियम और पोटेशियम, तो ये साधारण पानी के साथ भी क्रिया कर लेती हैं, साधारण तापमान पर भी पानी के साथ क्रिया करती हैं। लेकिन कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है ये मध्यम क्रियाशील धातु हैं, इसलिए ये नॉर्मल पानी यानी कि ठंडे तापमान में ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, ये गर्म पानी के साथ ही क्रिया करेंगे। यदि पानी गर्म हो तो ही कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पानी के साथ क्रिया करती हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अगर मैग्नीशियम धातु है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पे ऊष्मा का निर्माण नहीं होता है इसीलिए हाइड्रोजन गैस में आग नहीं लगती है, लेकिन एक विशेष चीज़ आपको ये दिखाई देगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उड़ती है, ऊपर की तरफ गतिशील होती है, जिसके कारण ये कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जो है वो पानी की सतह पर तैरते रहती है, क्योंकि धातुओं की निचली सतह से हाइड्रोजन का ऊपर की तरफ दबाव बनता है, जिसके कारण ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पानी में डूबती नहीं है, जबकि धातुओं का घनत्व पानी से अधिक होने के कारण धातुएं पानी में डूब जाया करती हैं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी मध्यम क्रियाशील धातुएं जब गर्म पानी से क्रिया करती हैं तो ये धातुएं पानी में डूबती नहीं हैं, क्योंकि नीचे से हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ आता रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम धातुओं को पानी में डूबने नहीं देता, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातुएं पानी में तैरते हैं। तो ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में तैरती क्यों है, डूबती क्यों नहीं है, तो इसका उत्तर यह है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मध्यम क्रियाशील धातुएं जब गर्म पानी के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है और ये हाइड्रोजन गैस उन धातुओं को डूबने नहीं देता, जिसके कारण ये धातुएं पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं। फिर ये जो अत्यंत कम क्रियाशील धातुएं हैं जैसे एल्युमिनियम, लोहा और जिंक,
ये जो Fe है, फेरस, फेरस कहते हैं इसको, यानी कि लोहा का सूत्र है ये, जिंक जिसे जस्ता कहते हैं, तीनों ठोस अवस्था में, इसलिए ब्रैकेट में S लिखा है, सॉलिड स्टेट में है। अब ये तीनों अत्यंत कम क्रियाशील धातु हैं, इसलिए ये ना तो गर्म पानी से क्रिया करती हैं ना तो ठंडे पानी से, ये पानी के भाप से क्रिया करती हैं। इनको क्रिया करने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये पानी में भिगोया हुआ कपास का फाहा है, रुई है जो पानी में भीगी हुई है। अब ये जो तीन धातुएं जो कम क्रियाशील हैं, इन्हें परख नली में बीच में रखा जाता है, इन धातुओं के नमूने को बीच में रखा जाता है। फिर यहाँ एक छिद्र वाला क्वार्क है जिसको निकास नली से जोड़ा गया है, और यहाँ पर ये जो परख नली है इसे उल्टा रखा गया है, क्योंकि जो गैस बनेगी वो ऊपर की तरफ जाती है। पानी क्यों रखा है बीच में, क्योंकि जब तक ये बुलबुले दिखाई देंगे तब तक हमें पता चलेगा कि गैस बन रही है। ये बुलबुले दिखाई देना बंद हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैस निकलना भी बंद हुआ। फिर ऊपर जो खाली जगह है वहाँ पर जाकर गैस जमा होते रहती है। तो इन धातुओं को यहाँ पर रखते हैं, जब ये भीगे हुए कपास को जब गर्म करते हैं तो इसमें से जो पानी है वो भाप बन करके इन धातुओं से हो करके जाता है। तो धातु और भाप में क्रिया होती है और उन धातुओं का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इस तरह से अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं और अत्यधिक कम क्रियाशील धातुओं का पानी के साथ में क्रिया होती है। तो अत्यधिक क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील धातुएं पानी से क्रिया करती हैं, लेकिन जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वो पानी के भाप से क्रिया करती हैं। इसमें भी एक बात और है कि अत्यधिक क्रियाशील है तो ठंडे पानी से भी क्रिया कर देगी, मध्यम क्रियाशील धातुएं गर्म पानी से क्रिया करती है, और जो अत्यधिक कम क्रियाशील धातु है वो पानी के भाप के साथ क्रिया करती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, करके देखिए और विचार कीजिए, सोना, चांदी, तांबा, इन धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया होती है क्या? ये प्रत्यक्ष प्रयोग करके देखना है और विचार करना है। तो देखिए, सोना और चांदी तो राज धातु हैं, ये वैसे भी बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए सोना और चांदी के गहने भी बनाए जाते हैं जिसके बहुत कम रिएक्शंस होते हैं, स्किन में भी इसका रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये राज धातु कहलाती है, जल्दी किसी से क्रियाशील क्रिया नहीं करती है, बहुत कम क्रियाशील धातु है एकदम। और तांबा, तो तांबा में भी हम देखते हैं, तांबे में कई लोग पानी पीते ही हैं, तो ये सोना, चांदी, तांबा ये बहुत कम क्रियाशील धातु है, इसलिए ये पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये दो धातुओं के दो रासायनिक गुणधर्म हम देख चुके हैं, एक तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया, दूसरा पानी के साथ धातुओं की क्रिया। अब हम देखेंगे धातुओं की अम्ल के साथ में अभिक्रिया। देखिए, धातु जब भी अम्ल के साथ, किसी भी एसिड के साथ क्रिया करेंगे तो हमेशा उन धातुओं का क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। यहाँ पर रिएक्शंस में भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहे हैं तो इसका क्लोराइड बन रहा, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा तो एल्युमिनियम का क्लोराइड बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। इसी तरह ये आयरन है, आयरन क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होने पर जिंक क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। तो इस तरह से धातुएं जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यदि क्रिया करेंगी तो उनका क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जैसे यहाँ पर प्रयोग करके दिया है किस तरह से क्रिया करा सकते हैं। स्टैंड में एक परख नली फिक्स की गई है, यहाँ पर नीचे आपको धातुएं रखना है और उसके अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बहुत क्रियाशील होता है, उसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, वो खतरनाक होता है। उसको में पानी मिला करके उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसके पावर को थोड़ा कम किया जाता है। तो तनु HCl थोड़ा सा कम क्रियाशील है, पानी मिला दिया जाता है। तो ये HCl और ये यहाँ जस्ता रखा गया है, तो जस्ता धातु है। अब इन दोनों में क्रिया होती है तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इस हाइड्रोजन गैस को यदि हम किसी परख नली में इकट्ठा करें और उसके पास यदि कोई जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएं,
यहाँ से जो गैस निकल रही है, जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएं यदि, तो ये एक छोटा सा विस्फोट होगा। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस निर्मित हो रही है। हाइड्रोजन गैस को चेक करने का यही एक टेस्ट है कि वहाँ पर कोई भी जलती हुई ज्वाला लेकर के जाएं तो वहाँ पर छोटा सा विस्फोट होता है। यहाँ पर साबुन का विलयन रखा गया है जिससे कि हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो यहाँ पर साबुन के बुलबुले बनते हुए दिखाई देते हैं। ये सिर्फ इसलिए बुलबुले सिर्फ इसलिए होता है कि हमें पता चले कि रिएक्शंस हो रहे हैं और हाइड्रोजन गैस अभी निर्मित हो रही है, और ये कंफर्म करने के लिए कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, सॉरी हाइड्रोजन गैस ही है, तो वहाँ पर एक जलती हुई ज्वाला लेकर के जाएंगे उस गैस में तो वहाँ पर छोटा सा विस्फोट हो जाएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो जो गैस निर्मित हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ पर धातुओं के क्रम का एक क्रियाशीलता का एक क्रम दिया है, ये आप लोग याद रख लीजिए, कभी कभी ये MCQ में भी पूछा जाता है ये। अब इसमें मैं एक जैसे कि मैग्नीशियम अत्यधिक क्रियाशील है, अल्मोनियम उससे कम क्रियाशील है, जिंक यानी कि जस्ता और कम क्रियाशील है, जो लोहा है आयरन वो जस्ते से भी कम क्रियाशील है। अब मैं इसमें कुछ और चीज़ जोड़ देता हूँ, मैग्नीशियम के पहले भी मैग्नीशियम से भी अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है सोडियम, तो यहाँ आप सोडियम भी डाल सकते हैं, और आयरन से भी कम क्रियाशील होती है कॉपर, तांबा, तो ये साइड में आप कॉपर भी लिख सकते हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, इस तरह से आपको धातुओं का क्रम मिल जाएगा। इसको याद करने का एक तरीका भी है, जैसे कि सोडियम का फार्मूला क्या है, Na है, Na, तो हम लोग ऐसा याद कर सकते हैं कि ना मांगो अल्लाह से जंक फूड कॉपर, ना यानी कि Na सोडियम, मांगो यानी कि Mg, अल्लाह यानी एल्युमिनियम, जंक फूड यानी कि जिंक और एफ आयरन, और कॉपर यानी कि Cu। तो इस सेंटेंस से आप धातुओं की क्रियाशीलता याद रख सकते हो कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है, मैग्नीशियम उससे कम क्रियाशील है, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, लोहा उससे कम और कॉपर सबसे कम, और यहाँ पर ये रिएक्शंस हैं, ये अभिक्रियाएँ हैं धातुओं की और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। इसके बाद जो अगली जो रासायनिक गुणधर्म है धातुओं का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ देखा हमने, अब नाइट्रिक अम्ल के साथ देखने जा रहे हैं। देखिए धातुओं का जब भी नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, धातुओं की जब भी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, धातुओं के नाइट्रेट के लवण बनेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए कॉपर नाइट्रेट, यहाँ भी कॉपर नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेट के लवण बनते हैं, तो ये कॉपर नाइट्रेट, ये नाइट्रेट के लवण बन रहे हैं कॉपर धातु के साथ, तांबे के साथ में, और नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता के अनुसार नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पर देखिए ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया है नहीं, और यहाँ तनु नाइट्रिक अम्ल लिया है, तो इसके सांद्रता के अनुसार ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, यदि सांद्र है तो नाइट्रोजन डाईऑक्साइड बनेगा, यदि तनु ये जो अम्ल है नाइट्रिक अम्ल है ये अगर तनु है तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन डाईऑक्साइड कब बन रहा है, जब जो नाइट्रिक अम्ल हमने लिया है वो यदि सांद्र है तब NO2 बनेगा, और यही अगर तनु है नाइट्रिक अम्ल तो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो नाइट्रेट के लवण बनते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जब भी कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है। अब ये अम्लराज क्या होता है ये ज़रा समझ लेते हैं कि ये अम्लराज एक अत्यधिक क्षरणकारी एवं सधूम द्रव है। क्षरणकारी मतलब बहुत अत्यधिक क्रियाशील है धातुओं के साथ में, और ये फ्यूमिंग यानी इसमें से क्रिया करेगा और धुआं निकलेगा। अब ये इतना अधिक क्रियाशील है कि जो हमारी राज धातुएं हैं जैसे कि सोना और प्लैटिनम, जो राज धातुएं हैं वो किसी से भी क्रिया नहीं करती, लेकिन इन राज धातुओं को भी पिघलाने के लिए, क्रिया कराने के लिए ये अम्ल राज का उपयोग किया जाता है।
ये अम्ल राज इतना क्रियाशील होता है कि ये राज धातुएं जैसे कि सोना, चांदी और प्लेटिनम से भी ये अभिक्रिया कर सकता है। ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब बनाते कैसे हैं अम्लराज को, ये अम्लराज बनता कैसे हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल इन दोनों को 3:1 के अनुपात में मिलाएं तो अम्लराज का मिश्रण तैयार होता है। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका 3 भाग होना चाहिए और जो नाइट्रिक अम्ल है उसका 1 भाग होना चाहिए और दोनों ही सांद्र होना चाहिए, अत्यधिक क्रियाशील होना चाहिए। तो 3:1 के अनुपात में उन्हें मिलाएं तो ये अम्लराज बनता है। अब आइए देखते हैं धातुओं की अन्य धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं का अन्य धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया के लिए देखिए यहाँ छोटा सा समझाया गया है कि कैसे होता है। जैसे कोई भी धातु हम ले रहे हैं, यहाँ पर धातु ए है और जो किसी धातु के लवण का विलयन है, जैसे कि कोई भी बी धातु का लवण है और उसका विलयन है, अब इन दोनों का यदि रिएक्शन कैसे होगा, तो ये जो धातु ए है ये धातु ए का लवण का विलयन बन जाएगा। यानी ये जो लवण का विलयन है ये धातु ए के साथ मिल जाएगा और जो विलयन में जो धातु बी थी वो मुक्त हो जाएगी। देखो इस विलयन में क्या था, धातु बी थी, धातु बी के लवण का विलयन है ये, तो धातु बी के लवण का जो विलयन है उसमें से धातु बी निकल जाएगी और इस विलयन में धातु ए मिक्स हो जाएगी। इस तरह से रिएक्शन होगा। इसको समझाने के लिए देखें यहाँ पर एक कृति दी गई है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब कॉपर सल्फेट देखिए धातु क्या है, कॉपर धातु है और कॉपर सल्फेट का विलयन यानी कि ये कॉपर के लवण का विलयन हो गया। कॉपर सल्फेट ये कॉपर का लवण है, तांबे का लवण है ये, तो एक धातु के लवण का विलयन हो गया ये कॉपर सल्फेट। इसमें लोहे का खिल्ला, यहाँ पर लोहे की जो कील है वो इसमें डुबा करके रखी गई है, तो ये लोहा एक धातु हो गया, लोहा धातु है और ये जो विलयन है धातु के लवण का विलयन है, इसमें डुबा करके रखा गया है। 15-20 मिनट के बाद जब आप इसको इसी तरह डुबा करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि इस विलयन के अंदर जो कॉपर है, तांबा है, वो तांबा लोहे में आने लगता है और लोहा जो है वो विलयन में जाने लगेगा। तो धीरे धीरे ये जो विलयन है ये लोहे का विलयन बन जाएगा, लोहे के लवण का विलयन बन जाएगा और ये जो लोहा है इसमें कॉपर आने लग जाएगा। कॉपर यानी कि तांबा विलयन के अंदर था लेकिन वो लोहे में लोहे की इस कील में आने लग जाता है वो कॉपर, और कील का जो लोहा है वो विलयन में आने लग जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे उसका जो कलर है, विलयन का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है और जो लोहे की जो कील है वो तांबे के रंग की हो जाती है क्योंकि उस पर तांबे का आवरण चढ़ जाता है। तो इस तरह से कील बन जाएगी, देखिए लोहे के कील पर तांबे की परत जमा हो जाएगी। अब ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वो फेरस सल्फेट का विलयन बन जाएगा क्योंकि कीले का जो लोहा है वो विलयन में आ चुका है। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का कॉपर निकलता जाएगा और जो आयरन है वो आयरन धीरे धीरे विलयन में बनता चला जाएगा। ये एक अलग प्रयोग है। और इस ये क्या है, इसमें देखो फेरस सल्फेट लिया गया है और तांबा लिया गया है, तांबा को लटकाया गया है, ये ठीक इसका उल्टा है, इसका ठीक उल्टा यहाँ किया गया है। इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया था और लोहा लटकाया गया था। दूसरी परक नली में क्या है कि आयरन फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट का विलयन लिया गया है और तांबा लटकाया गया है। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होगी। क्यों क्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो विलयन होना चाहिए, विलयन वो कम क्रियाशील धातु का विलयन होना चाहिए और जो उसके अंदर जो हमने धातु को डुबाया है वो धातु जो है वो अधिक क्रियाशील होना चाहिए। तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो लोहे को यदि आप कॉपर के विलयन में डुबाओगे तो ये क्रिया होगी, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
लेकिन आप तांबे को यदि लोहे के विलयन में डुबाओगे तो ये क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जो धातु हम ले रहे हैं वो अधिक क्रियाशील होनी चाहिए, और जो विलयन हम ले रहे हैं उसमें कम क्रियाशील धातु का वो विलयन होना चाहिए। तो इसलिए दूसरी परख नली में कोई क्रिया नहीं होगी, पहली परख नली में क्रिया होगी। क्या क्रिया होगी कि एक कील का जो लोहा है वो विलयन में चला जाने लगेगा, जिससे विलयन का जो रंग है वो फीका पड़ जाएगा, और इस विलयन के अंदर जो कॉपर है, तांबा है, वो लोहे में आने लग जाएगा, तो कीले में तांबे की परत जमा हो जाएगी। तो इस तरह से धातुओं की जो क्रिया होती है अन्य धातु लवण के विलयन के साथ में। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी वो हम पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, नाम आंगो अल्लाह से जंक फूड कॉपर वाली चीज़। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी एक्सप्लेन किए जो हम अभी पढ़ रहे थे। ये ऊपर जो ब्लैक कलर में जो धातुओं के नाम लिखे हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। ये जो बीच में जो नाम लिखे गए हैं ये मध्यम क्रियाशील धातु है, और नीचे ये अत्यधिक कम क्रियाशील धातु है। तो देखिए, पानी के साथ ये जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो पानी के साथ क्रिया करती हैं, लेकिन जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं या फिर कम क्रियाशील धातुएं हैं वो पानी के साथ क्रिया नहीं करती। अम्ल के साथ किसकी क्रिया होती है? अत्यधिक क्रियाशील धातुओं की, और मध्यम क्रियाशील धातु जो हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन जो बहुत कम क्रियाशील धातु हैं वो अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते। ऑक्सीजन के साथ देखिए सबकी क्रिया होती है, अत्यधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील, तीनों प्रकार के धातुओं के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है। यहाँ अभिक्रियाशीलता दिखाया गया है कि ऊपर की ओर जो धातुएं हैं, यहाँ ऊपर की ओर जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, नीचे की ओर जो धातुएं हैं वो कम क्रियाशील हैं। तो ये एरो करके दिखाया गया है कि ऊपर की तरफ अधिक क्रियाशीलता है, या जो अभिक्रियाशीलता है ऊपर की तरफ अधिक है, नीचे की तरफ कम है, और इनकी पानी, अम्ल और ऑक्सीजन के साथ इस तरह से क्रिया होती है। अगली जो रासायनिक गुणधर्म है वो है धातुओं का अधातुओं के साथ में क्रिया। तो धातु जब भी अधातु के साथ क्रिया करेंगे तो उनका एक आयनिक लवण तैयार होगा। तो धातुएं जब भी अधातु से क्रिया करेंगी तो उनका लवण तैयार होगा, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन है तो सोडियम क्लोराइड नामक आयनिक यौगिक बन रहा है, जो कि एक लवण है। इसी प्रकार यदि मैग्नीशियम धातु लेते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, इस तरह से आयनिक यौगिक बनता है। तो ये था आपका धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसके बाद में शुरू होता है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले आइए देखते हैं अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। तो देखिए, कभी भी जो अधातुएं हैं, अधातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो उन अधातुओं को ऑक्साइड बनता है। ये जो ऑक्साइड बनता है ये अम्लीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, या तो अम्लीय होगा या तो उदासीन भी होता है। अक्सर ज़्यादातर तो ये अम्लीय अम्लधर्मी ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियों में उदासीन ऑक्साइड बन जाते हैं। जैसे कि कार्बन एक अधातु है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब कार्बन का पूर्ण ज्वलन होता है, तब जब कार्बन पूरी तरह से जलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अम्लधर्मी होती है, एसिडिक होती है। लेकिन कार्बन का को यदि अपूर्ण ज्वलन हो रहा है तब कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। वहीं पर सल्फर का यदि अपूर्ण ज्वलन हो तो उस समय सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि अम्लधर्मी होता है, अम्लीय होता है। तो ये था अधातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। दूसरा है अधातुओं का पानी के साथ में क्रिया। अधातुओं जो अधातुएं होती हैं पानी के साथ में क्रिया नहीं करती हैं, केवल जो हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स आपको याद होगा, मैंने आपको याद दूसरे चैप्टर में कराया था, फर्स्ट क्लास ब्रूसली इंडिया मेट का। फर्स्ट क्लास यानी फ्लोरीन और क्लोरीन,
ब्रूसली यानी ब्रोमीन, फर्स्ट क्लास ब्रूसली, इंडिया में यानी कि आयोडीन, और लास्ट में अटका 80 एंटीमनी। तो ये हेलोजन्स हैं, सिर्फ हेलोजन ही हैं जो पानी के साथ क्रिया करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन दिया है क्लोरीन का पानी के साथ में क्रिया हुआ और यहाँ HOCl बना प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हुआ। अब क्लोरीन गैसीय अवस्था में इसलिए गैस, H2O लिक्विड स्टेट में इसलिए ब्रैकेट में L लिखा है, HOCl ये एक्वस स्टेट में है, जलीय विलयन जिसे कहते हैं, तो ब्रैकेट में AQ लिखा जाता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये भी AQ। इसमें ये जो HOCl है इसका नाम हाइपोक्लोरस एसिड भी कह सकते हैं, इसे क्लोरिक एसिड भी कहा जाता है, और IUPAC नाम आप यदि कोई पूछे तो क्लोरेनॉल भी इसे कहते हैं, क्लोरेनॉल, या फिर हाइड्रोक्सीडो क्लोरीन भी इसे कहा जाता है, हाइड्रोक्सीडो क्लोरीन। तो इसमें जो नाम आपको इजी लगता है वो आप लिख सकते हैं, IUPAC नेम क्लोरेनॉल याद रखिएगा, क्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड भी इसे कहा जा सकता है। तो अधातुओं का पानी के साथ में क्रिया देखा आपने, केवल हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स ऐसे अधातु हैं जो पानी के साथ क्रिया करते हैं और कोई भी अधातु पानी से क्रिया नहीं करती है। फिर अधातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, अधातुओं के भी तनु अम्ल के साथ में अधिकतर अधातुओं की क्रिया नहीं होती है, यहाँ पर केवल हेलोजन ही हैं जो कि अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन का यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ में, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ में क्लोरीन का रिएक्शन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना और ब्रोमीन बन रही, ब्रोमीन गैस यहाँ पर बन रहा है। सॉरी Br2 यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है, जली विलयन है, एक्वस यहाँ लिखा गया है ना, ये AQ यानी जली विलयन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जली विलयन बनता है और ब्रोमीन का जली विलयन बनता है। तो केवल हेलोजन ऐसे अधातुएं हैं जो तनु अम्ल के साथ में क्रिया करती हैं, बाकी अधातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती। अब आइए देखते हैं अधातुओं का हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया। तो ये अधातुएं जो हैं वो एक विशिष्ट परिस्थिति में ही ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर सकते हैं, जैसे एक अनुकूल तापमान, दाब या कोई उत्प्रेरक हो, तो उनके उत्प्रेरक की उपस्थिति में या फिर एक विशेष तापमान या दबाव पर ही जो अधातुएं हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती हैं। जैसे यहाँ सल्फ़र देखिए, सल्फ़र एक अधातु है जो हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कर रही है और यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है। ऐसे ही यहाँ पर जो नाइट्रोजन अधातु है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह एक विशेष तापमान, दाब या उत्प्रेरक की उपस्थिति में अधातु हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करती हैं। थोड़ा सोचिए, मैं यहाँ पूछा गया है कि ये जो ऊपर जो रिएक्शन दी गई है यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, ऐसा कह सकते हैं क्या हम? देखिए हाइड्रो HBr में से Br2 बना है, यानी कि HBr में से हाइड्रोजन मुक्त हो गया है, तो हाइड्रोजन का मुक्त होना ऑक्सीकरण कहलाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसके बाद पूछा है कि ऑक्सीकारक कौन है, यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीकारक है, क्योंकि क्लोरीन के वजह से ही हाइड्रोजन यहाँ पर मुक्त हो रहा है HBr में से, तो क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीकारक है और ये हाइड्रोब्रोमिक अम्ल का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो से संबंधित जो प्रश्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा और आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर लिख करके और याद करिए उन्हें और ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।